الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا خواتین و حضرات آج کا عنوان ہے دعویٰ اصلاحیہ سلفیہ اور آل سعود کی فداکاریاں اور جمعیت اہل اسلام ایک مصلی ایک امام جزیرہ نما عربیہ میں جزیرہ کے عین مشرق کی طرف نجد کے اندر 12ویں صدی ہجری میں اور 18ویں صدی عیسوی کے درمیان میں اس تحریک کا آغاز ہوا تھا. یہ تحریک خالصتاً الکتاب والسنہ علی فہم سلف الامہ کی بنیاد پر شروع ہوئی اور انہی بنیادوں پر ایک حکومت کا قیام وجود میں آیا. وہ حکومت آج مملکت سعودی عرب کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس کا سبب کیا تھا, یہ حکومت کیوں قائم ہوئی تھی, مقاصد کیا تھے. بنیادی مقصد یہ تھا کہ مظاہر شرک و بدعت, ضلالت اور گمراہی کا سد باب اور فساد فی الارض کی روک تھام, یہ اس کا بنیادی مقصد تھا. اور آج کے درس کا مقصد کیا ہے, آج کے درس کا مقصد بھی عزیزان گرامی صرف اور صرف یہ ہے کہ اس حقیقت سے آگاہی حاصل کی جائے, ادراک ہو, معلومات ہوں, تاکہ اپنی زبانوں کو کسی حد تک کنٹرول کیا جا سکے. جو زبانیں اس تحریک اور تحریک کا آغاز کرنے والوں اور اس بنیاد پر حکومت کا قیام کرنے والوں اور آج تک نصرت و تائید کا جو علم بلند کیے ہوئے ہیں, ان کے بارے میں جو لبکشائی ہوتی ہے, اس کو کسی حد تک روکا جا سکے, مقاصد سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بات دوبارہ دہرا کے آگے شروع کرتا ہوں کہ اس حکومت کی بنیاد, یا اگر میں عربی میں یوں کہوں کہ اقیمت ہذہ الدولہ السعودیہ علی الکتاب والسنۃ بفہم سلف الامہ, کہ اس گورنمنٹ کی یا اس حکومت کی بنیاد کے اندر یا اللہ کی کتاب ہے یا اللہ کے رسول کا فرمان ہے, لیکن ایک شرط کے ساتھ. یہ دعویٰ سبھی کرتے ہیں, کتاب و سنت, اہل سنت, اور ہم ہیں اہل سلف, ہم ہیں سلفی. آج کل تو ہر ایک کی زبان پر یہی دعویٰ ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ جو قرآن و سنت کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی, اس میں ایک شرط تھی. شرط یہ ہے, جو بنیادی شرط ہے, علی فہم سلف الامہ, قرآن و سنت کا نفاذ ہوگا مگر اس طریقے سے جس طرح قرآن و سنت کو
असलाफ उम्मत ने समझा है। असलाफ कौन है? हमारे नज़दीक असलाफ में सर फहरिस्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, सलावात रब्बी व सलामहु अलैह, और आपके असहाब हैं, असहाबुल नबी हैं, जिनको अल्लाह ताला ने जिनका दिल देखकर आपके लिए सोहबत के लिए उनको मुंतखब फरमाया था। या मैं अपने अल्फाज में यूँ कहूँ कि जिन पर बराह रास्त अनवार तजल्लियात रिसालत की बारिश बरसती रही है, जिन्होंने बराह रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुना, सीखा, समझा, अमल किया और इस तरह आपकी सुन्नत को समझा। आज देखिए दोस्तों, हर आदमी कहता है सुन्नत 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 की तीन तरीके हैं। सुन्नत या तो आपका कौल है, कौल मुबारक है, या आपका फ़ेल है, अमल है, और या आपकी तकरीर है। तो क्या आप समझते हैं कि वो असहाबुन नबी के बग़ैर कोई और हस्तियां थी जिन्होंने ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम तक पहुंचाई है? नहीं, हरगिज़ नहीं, वो असहाबुन नबी हैं। तो लिहाजा जिस तरह उन्होंने कुरान को समझा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को समझा और आगे मुंतकिल किया, सहाबा किराम ने ताबेईन तक, और ताबेईन ने अतबा ताबेईन तक, और उसके बाद आइम्मा दीन और हम तक ये आपके सही फरामीन पहुंच चुके हैं और मौजूद हैं, वलिल्लाहिल हम्द। तो दोस्तों, इस बात को समझने के लिए जिसका आगाज़ मैंने इस बात से किया है कि हमारा मकसद ये है कि हम हकीकत से आगाह हो जाएं, हमें इदराक हो असलियत क्या है। तो जज़ीरा नुमा अरब जो है उसके दाखली और ख़ारजी हालात का जायज़ा लेना बड़ा ज़रूरी है। अगर हमें उन हालात का पता होगा कि वो दौर कौन सा था, उस दौर में क्या हालात थे, सियासी हालात क्या थे, दीनी और मज़हबी हालात क्या थे जज़ीरा नुमा अरब के अंदर और उसके बाहर, जब तक ये बात क्लियर नहीं होगी, हमें इस हुकूमत के की बुनियाद, उसके क़याम, उसके मकासद और उसकी जो तरक्की हुई है उसको समझना हमारे लिए मुश्किल होगा अगर हमने हालात का जायज़ा ना लिया। तो आइए हम हालात का जायज़ा लेते हैं कि आलम इस्लाम की उस वक़्त हालत क्या थी, आलम इस्लाम की सियासी हालत, जज़ीरा नुमाए अरब की नहीं, आलम इस्लाम। आप जानते हैं कि तीन इस्लाम के नाम से हुकूमतें कायम थी उस वक्त जब ये तहरीक का आगाज़ हुआ है, यानी 12वीं सदी हिजरी से पहले या ऐन उस वक्त इसके आगाज़ में, या 18वीं सदी ईस्वी के आगाज़ में, या इसके दरमियान में जो हालात आलम इस्लाम के थे, समात फरमाइए। तीन हुकूमतें थी, उनको आप मुसलमान हुकूमतें कहिएगा, इस्लामी हुकूमत तो बहुत गहरे और बेहतरीन और प्यारे मानी और मकासद लिए हुए होते हैं, मकासद भी होते हैं और उस पर अमल भी होता है। तो मुसलमान हुकूमतें थीं, एक तो इस्लाम के नाम से इस्लामी खिलाफत उस्मानिया का दौरा था, ये तकरीबन 425 साल इसका अरसा हुकूमत है, और इसके तहत आप जानते हैं एशिया के बाज़ इलाके, बाज़ अफ्रीका के और बाज़ यूरोप के इलाके थे, और तकरीबन 5 लाख मुरब्बा किलोमीटर मुरब्बा पर ये इसका इलाका, जैसा कि बयान किया जाता है, मुहित था। लेकिन हम बाद में समझेंगे कि क्या उस दौर के अंदर इस्लाम की खिदमत तौहीद और रसालत के लिहाज से हुई है तो कितनी हुई है और किस अंदाज से थी। और ये तकरीबन 1341 में इसका दौर ख़त्म हो गया था। उस्मानी हुकूमत के खिलाफत के दरमियान ही एक हुकूमत सफ़वी थी, इससे थोड़ा सा पहले उसके दौर में शुरू हुई और इसके ख़त्म होने से ये पहले ख़त्म हो गई थी। ये शिया की हुकूमत थी फ़ारस में और उसके मुज़ाफ़ात में, ये भी तकरीबन 242 साल के लगभग इसकी हुकूमत रही है, और ये 1148 में इसका इख्तिताम होता है। और साथ ही साथ तीसरी हुकूमत मुसलमान थी मुगलिया दौर की हिंदुस्तान के अंदर, यानी बर्रे सगीर में, बर्रे आज़म के मुकाबले में इसको बर्रे सगीर कहा जाता है, हालांकि ये ख़ुद बहुत बड़ा बर्रे आज़म है।
तो मुगलिया दौर की हुकूमत भी तकरीबन 337 साल तक रही है और ये 1274 हिजरी के अंदर इसका इख्तिताम हुआ, उसके बाद अंग्रेज़ आ गए थे। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये तो थी आलमी सतह पर हालत सियासी मुसलमान हुकूमतों की, या यूँ समझें कि आलम इस्लाम की। दीनी हालत कैसी थी, तो ये आपकी तवज्जो दरकार होगी, ज़रा तवज्जो फरमाएंगे तो बात समझ आएगी कि दीनी हालत का मामला ये है कि आइए पहले देखते हैं हम इस्लामी खिलाफत को, जो मुसलमान खिलाफत थी। इस्लामी खिलाफत का ये आलम था कि इसके ज़ेरे असर सिर्फ दो तीन इलाकों का ज़िक्र करके बात आगे बढ़ा देंगे कि देखिए इन्हीं की ज़ेरे निगरानी, ख़ा वो 100% थी या नहीं थी इनका तसल्लुत या इनकी रिट जो थी, लेकिन यही कहलाते थे कि यहाँ पर इनके नुमाइंदे मौजूद हैं, वो इन्हीं का मंदूब था जो यहाँ का हुक्मरान था मोहम्मद अली पाशा। तो मिस्र में, बल्कि मिस्र से भी हम एक इलाके की तरफ आ जाते हैं, सिर्फ काहिरा के अंदर 294 मज़ारात मौजूद थे। ये दीनी हालत का तस्करा मैं करने लगा हूँ, ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। सिर्फ काहिरा के अंदर 294 मज़ारात जिन पर इस्तगासा बग़ैर अल्लाह, इस्तियाना बग़ैर अल्लाह, नज़र व नियाज, और मुक़द्दस तरीन हस्तियाँ जो थीं उनके मज़ारात थे। मसलन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, सैयद शबाब अहल जन्ना, और जिनकी मोहब्बत और जिनका प्यार हमारा जुज़्वे ईमान है, उनके सर के बारे में रास हुसैन का एक मज़ार वहाँ पर मज़ार है, सैयदा नफीसा का मज़ार है, सैयदा ज़ैनब का मज़ार है, और सैयदा सकीना का मज़ार है। ये बड़े बड़े मज़ारात का मैंने ज़िक्र कर दिया है, वहाँ पर जाना और अपनी हाजात के बारे में ज़िक्र करना, आप कहें या ना कहें, जितना मर्ज़ी दिफा करें, ये तो यूं ही है ना कि बंदा एक अड्डा बना दे और उसके बाद ये कह दे कि यहाँ सजदा करना मना है, जबकि सजदे के पूरे लवाजमात आप मुहैया कर दें। मज़ारात के अंदर जो कुछ हो रहा है कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो ये था सिर्फ मिस्र के अंदर। अब उस्मानी खिलाफत के ही ज़ेरे निगरानी शाम का इलाका है, तो शाम पूरे को हम नहीं ज़िक्र करते, सिर्फ दिमश्क और उसके मुजाफात के अंदर 194 मज़ारात मौजूद थे जिनके अंदर यही काम होता था। और जहाँ तक ताल्लुक है इस्तंबोल का, जो दारुल खिलाफा था उस्मानियों का तुर्की में, इस्तंबोल के दारुल खिलाफा के सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर 481 मस्जिदें थीं। ये मैं 11वीं सदी हिजरी के इख्तिताम और 12वीं सदी हिजरी की इब्तदा और इसके आगाज़, या यूं कहिएगा कि तहरीक दावा इस्लाहिया सलफिया के आगाज़ से पहले मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये बीड़ा उठाया और इस तहरीक का आगाज़ किया, ये उससे पहले के वाक़ात हैं कि उस वक़्त उस्मानी खिलाफत के दौर के अंदर इस्लाम की कैसी खिदमत हो रही थी। 481 मस्जिदों में से कोई एक मस्जिद भी खाली नहीं थी जहाँ पर मज़ार, कुब्बा और इस किस्म का कोई अड्डा ना बना दिया गया हो, जहाँ का लोगों का आना, नज़र व नियाज देना, दस्ते सवाल दराज करना और मांगना। और जहाँ तक ताल्लुक है सफवियों का, अब ये उस्मानी खिलाफत की आपने दीनी हालत का जायज़ा ले लिया उस सदी में और इस दावत के आगाज़ से पहले ही, ताकि समझ आ जाए कि इस दावत का आगाज़ क्यों किया गया। सफवियों के हाँ तो माशाल्लाह रौनक ही हैं, तो शिया थे आपको जानते हैं, 12 इमामों के मानने वाले हैं वो लोग, वहाँ तो दिन थोड़े पड़ जाते हैं, 365 दिन हैं, बल्कि अरबी के लिहाज से तो 355 दिन हैं। तो अगर पहले पैदाइश का दिन और उसके बाद फिर मिलाद भी है और उसके बाद उनका बरसी भी है, सालगिरह है, बरसी है, फिर तीजा है, 40वां है, फिर 7वां है, पता नहीं क्या कुछ है, तो फिर बुज़ुर्गान दीन की तो भाई एक माशाल्लाह ला तादाद बुज़ुर्गान दीन हमारे गुजरे हैं और उनके हाँ तो माशाल्लाह ये सिलसिला चलता था, तो उसका ज़िक्र करने की ज़रूरत खासा कोई ज़रूरत नहीं है। रहा मुग़लियों का दौर, बरसग़ीर की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, उसमें कम अज़ कम जो हमें तारीख़ से मिलता है, को उस मौके पर, आज नहीं, आज तो एक सैलाब है,
उस मौके पर जब ये तहरीक अभी शुरू हो रही थी, होने वाली थी या हुई है, उससे पहले की बात है कि 150 से ज़्यादा बड़े बड़े मज़ारात मौजूद थे। छोटे मज़ारात का क्या तذکرہ करना है, मकसद यही है कहने का कि दीनी हालात का तذکرہ, ताकि ये समझा जाए कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने इसका आगाज़ क्यों किया, मोहम्मद इब्ने सऊद रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी नुसरत और तौईद का बीड़ा क्यों उठाया अल्लाह को राज़ी करने के लिए। तो एक बात तो है, सारे दावा करते हैं अल्लाह की रज़ा तो मकसूद थी, लेकिन ज़रूरत और सबब उसका क्या था जिसकी वजह से इसका आगाज़ किया गया। ये अल्लाह की तरफ से इंतखाब भी था उनका, और उनकी ज़रूरत भी थी, उम्मत की ज़रूरत थी। तो आइए अब हम थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं उस इलाके का जहाँ ये तहरीक शुरू हुई है। इसे जज़ीरा नामा अरब के मशरक में ऐन नजद के अंदर उस इलाके में इसका आगाज़ हुआ था। तो अजीज़ा ने गिरामी, मेरे दोस्तों, हिजाज़ का ये आलम था। हिजाज़ जानते हैं आप, तबूक है, मक्का है, मदीना है, ताइफ है, जद्दा है, यम्बो है, ये सारा इलाका जो हिजाज़ का है, पहाड़ी सिलसिले का। इस इलाके के अंदर किन की हुकूमत थी? अशराफ की थी। अशराफ से मुराद ये है ख़ानदान नबूवत से है, आले रसूल, हसनी, हुसैनी और आलवी। तो ये अशराफ की हुकूमत थी जो कि ज़ेरे निगरानी चल रही थी, अगरचे बिल्कुल एक नाम की थी, अपना भी उनका हुकूमत का करने का, अपने इंतखाब करने का वो अपनी तरफ से ख़ानदानी करता था, लेकिन ख़ानदान के अंदर बड़ी अफरा तफरी थी और खाना जंगी समझ लें आप। हिजाज़ के अंदर एक दूसरे को हटाकर हुकूमत करना, ये अशराफ का एक वतीरा बन चुका था। कोई हुक्मरान 2 साल से ज़्यादा हुक्मरानी नहीं कर सका हिजाज़ के अंदर, अशराफ की बात कर रहा हूँ। और बल्कि एक ऐसा वक्त भी आया है कि सिर्फ 2 महीनों में 5 हुक्मरान मक्का और मदीना के, शरीफ मक्का, शरीफ मदीना, शरीफ मक्का, शरीफ मदीना, सिर्फ 2 महीनों में 5 हुक्मरान बदले हैं। ये आलम था। और फिर वहाँ पर हिजाज़ के अंदर भी मज़ारात थे, जन्नतुल मुआला में, मुआला या माला में क्या है, कितने मज़ारात थे, कितने कुब्बे थे, आखिर ये क्या था? ये बरकतें थीं खिलाफत उस्मानिया की, कसर नहीं छोड़ी माशाल्लाह खिदमत इस्लाम करने की खिलाफत उस्मानिया के मानने वालों ने। मैं इसका तज़किरा दर्स के आखिर में थोड़ा सा तफसील से भी अर्ज़ करूँगा। जहाँ तक एहसा का ताल्लुक़ है, यहाँ बनु खवैलद की हुकूमत थी, यहाँ पर इतने मज़ारात तो नहीं थे, गारें तो थीं, कुछ मस्जिदें थीं, कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ पर लोगों का आना जाना इसी अंदाज से था, मजहबी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी। जहाँ तक नजद का ताल्लुक़ है खालिसतन, जहाँ से यह तहरीक उठी है, ये जज़ीरा नुमाया अरब के अंदर है ना, तो उस वक़्त उयैना, हरीमला या हुरैमला, जुबैला और नजद, जो आजकल दिरईया, जो आजकल रियाज का इलाका है, उसके अंदर ही शामिल है दिरईया, तो उसमें गारें भी थी और इस इलाके में दरख्त भी थे, इसमें पत्थर भी थे, दरख्तों की भी पूजा की जाती थी। आप ये मत कहिएगा कि जी आप सिर्फ, आपको सिर्फ यही नज़र आता है कि वहाँ दरख्तों की लोग पूजा करते, कैसे पूजा करते थे जी, करते थे, दरख्तों की भी पूजा होती थी। यहाँ पर तो बड़ी मशहूर बात है, अरबों ने तो ये अपनी किताबों के अंदर, मेरा ख्याल शायद ही कोई किताब ऐसी हो जो अरब ने नजद के बारे में लिखी और उसके अंदर इसका तज़किरा ना किया हो। खजूर का दरख्त, फहल यानी नर, मादा नहीं, नर दरख्त, मादा और नर मादा दरख्त होते हैं, और आज हम भी जानते हैं इनको कि क्यों ऐसा होता है। उसके बाद कुछ जब मौसम आता है तो नर से लेकर मादा के ऊपर कोई बूर वगैरह उसका निकालते हैं, यानी नर और मादा का जिक्र है। तो वहाँ पर उस दरख्त के साथ आकर जिनकी शादियाँ नहीं होती थीं वो जिक्र करते थे। पहले भी मैं कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ, लेकिन आज कहना ज़रूरी है कि उसकी मुनासबत है आज। या फहल अल-फहूल उरीदु ज़ौजन क़ब्ल अल-हौल, इस किस्म के अल्फाज के, मुझे 1 साल से पहले पहले मेरे खामद का बंदोबस्त कर दीजिए, ये इबादत नहीं तो और क्या थी। बहन है इस तरह
ताइफ के अंदर देखिए, वो भी नजद के, वो भी हिजाज के अंदर आता है। ताइफ में हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की कब्र थी, और भी कब्रें थी, लेकिन इस कब्र के बारे में शायद आप ये बात पहली दफ़ा समात फरमाएंगे। मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक कम अज़ कम उर्दू ज़ुबान में जितने भी आपने को लेक्चर किसी के सुने होंगे, शायद आप पहली दफ़ा समात फरमाएंगे। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा, वो मदीने में पैदा हुए थे, कब्र उनकी ताइफ में है। तो उस कब्र पर जाकर लोग ये सवाल किया करते थे, कारोबारी वाले लोग, कारोबारी लोग जब कारोबार शुरू करते ना, सामान लेके जाते, बाज़ार में जाते, और कारोबार का आगाज़ करने से पहले दुआ पता कौन सी करते थे? अल्यौम अलल्लाही व अलैका या इब्ने अब्बास, आज तो मैं अपने कारोबार के लिए इब्ने अब्बास अल्लाह को आपको लेके जा रहा हूँ, अब आप पे भरोसा है मुझे, अल्लाह पर और आप पर, अल्लाह पर और आप पर, यानी दोनों को इकट्ठा बना रहे हैं, अल्लाह पर और आप पर, ये मुझे भरोसा है आप पर, मेरी मतलब है मुझे कुछ अगर मिलेगा तो आपकी वजह से मिलेगा। ये दुआ है, दुआ बंदगी है भाई, दुआ इबादत है, दुआ हो वाली इबादत। तो ये हालत थी उस वक़्त जज़ीरा नमाए अरब की। इसी तरह नजरान के अंदर कब्र थी एक सैयद की, लोगों का आना जाना, और बैन ही दरिया के अंदर गारें भी थीं, दरख्त भी थे, लोग पूजा करते थे, नजर न्याज देते थे, बल्कि एक वहाँ पर एक अंधा आया करता था, लोग डर के मारे उसको दे देते थे, यानी अल्लाह से नहीं डरते थे, उससे डरा करते थे। उसका एक कमाल ये था कि बग़ैर कायद के चलता था, था अंधा लेकिन रास्ता ढूंढ लेता था, तो लोग उसको उसकी करामत समझ के उसकी पूजा करते थे बग़ैर, जैसे होती है ना हमारे यहाँ बर्रे सगीर के अंदर गायें आ जाती हैं तो लोग उसको छेड़ते नहीं, जी ये जी बाबा की गायें हैं, ये हमने अपनी आंखों से देखा है, अपने बचपन में देखा है। अभी आजकल वहाँ पर पाकिस्तान में आजकल है या नहीं अल्लाह आलम, वो लेके मस्तंडे आ जाते थे गायों को, जिस घर में चली जाती गाय जाए उसको इजाज़त है, वो अल्लाह की गाय है जी, हालांकि ये सारे अल्लाह की गायें हैं, कोई पता नहीं। अरब के अंदर ये कहते हैं या सौर, यानी तेरे अंदर कोई दिमाग नहीं है, अगर दिमाग होता तो गायों को ऐसा करते। तो उसकी पूजा होती थी गोया। और जद्दा में आप जानते हैं कि जद्दा कहते हैं दादी को, सैयदा हवा मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की माँ है, दादी है, नानी भी है और दादी भी है, क्या कहें उसको, दादी के दादी बेहतर है। और इनकी आज महल्ला जो अमारिया है जद्दा के अंदर, उसमें वहाँ पर एक मकबरा है, मकबरे का नाम है मकबरतु हव्वा या मकबरा उम्मेना हव्वा अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु अन्हा, वह हमारी तो माँ है, सबकी माँ है। उनके नाम से भी 60 मीटर लंबी एक किसी शैतान ने कब्र बना दी, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब बताइए वहाँ पर जाना, नजर व न्याज देना, माँ को अच्छा लंबा कद बना दिया माशाल्लाह। खलक अल्लाह आदम आला सूरत ही के हदीस का आज जिक्र करने की का वक्त नहीं है। तो इन हालात का जायज़ा लेने के बाद यकीनन आपने कौमी और बैन अल-अक़वामी तौर पर, यानी जज़ीरा नवाए अरब और उसके बाहर के हालात सियासी और दीनी किसी हद तक ज़हन नशीन कर रही होंगे। तो आइए अब हम चलते हैं कि उस हुकूमत का तज़किरा करना जो आज के दर्स का असल मकसद है, कि हुकूमत रशीदा जो क़ुरान और सुन्नत जिसकी बुनियाद है, और बुनियाद ही असल चीज़ होती है, अगर बुनियाद मज़बूत है तो इमारत मज़बूत है, बुनियाद कमज़ोर है तो इमारत कमज़ोर है। ये हुकूमत जिसकी बुनियाद तौहीद बारी ताला और अल किताब व सुन्ना हो, और फिर शर्त लगाकर आला फहम अहले सलफ़ल उम्मा हो, सहाबा कराम की समझ के मुताबिक कुरान को समझा जाए और उसको नाफज किया जाए, और सुन्नत को समझा जाए और नाफज किया जाए, उसकी बुनियादों के बारे में क्या ख्याल है आप, उसकी पायदारी के बारे में आपका क्या ख्याल है? उसका एक तो आप यही समझ लें कि देखिए एक बेचारा आदमी वहाँ पैदा हुआ, मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह, मुजद्दद, मुजद्दद दावा, 12वीं सदी के मुजद्दद आज़म, और आज 7 बर्र आज़मों में, एशिया हो, अफ्रीका हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो,
या कोई दूसरा बर्रे आज़म हो, किसी भी बर्रे आज़म के किसी कोने में चले जाइए, आज इस तहरीक के नाम लेने वाले ही नहीं, इसका प्रचार करने वाले, इनकी किताबों को पढ़ने वाले हर जगह मौजूद हैं। तो ये उसकी कामयाबी की दलील है और उसकी मकबूलियत की दलील है। तो आइए अब हम देखें कि जिन्होंने इस बारे में मेहनत की है, जो नुसरत तौईद का अलम लेकर चले थे और उन्होंने इस झंडे को सरनिगुन नहीं होने दिया, कौन है वो? 12वीं सदी हिजरी और 18वीं सदी ईसवी के दरमियान में कायम होने वाली ये हुकूमत, जो नजद के अंदर दिरईया की छोटी सी बस्ती, जिसके सिर्फ कच्चे 40 मकान थे जब इसका आगाज़ हुआ, मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के बताए हुए तरीके के मुताबिक मोहम्मद इब्ने सऊद रहमहुल्लाह ने इसका आगाज़ किया और अपनी हुकूमत का आगाज़ किया था। तो 1157 हिजरी और 1744 ईस्वी का वो साल है, जब मुबारक साल कहिएगा, जब इसका आगाज़ हुआ। मोहम्मद इब्ने सऊद अपना वक्त पूरा करके फौत हो गए, तो उनके बाद उनका बेटा अब्दुल अजीज़ इब्ने मोहम्मद इब्ने सऊद हुक्मरान बनता है। और इसी के दौरान इमाम अल इमाम मुजद्दिद शेखुल इस्लाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह फौत हो जाते हैं। और याद रखें, ये उनके शागिर्द भी हैं, ये अब्दुल अजीज़ इब्ने मोहम्मद इब्ने सऊद जो हैं, उनके ये जो हुक्मरान हैं या इमाम हैं, हुक्मरान से मुराद उस वक़्त उनको इमाम कहा जाता था, मलिक और सुल्तान नहीं कहा जाता, तो वो इमाम कहलाते थे। तो अब्दुल अजीज़ इब्ने मोहम्मद इब्ने सऊद जब हुक्मरान होते हैं, ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब के दामाद भी हैं और उनके शागिर्द भी हैं, ये आलम दीन हैं और ये कुरान और सुन्नत के बेहतरीन आलम थे। इनकी हुक्मरानी में एक वाक़ा होता, हादसा हो जाता है, वो ये है कि अल्लाह ने इनको हुक्मरानी दी और उसके बाद इलाके फतह होने शुरू हो गए। तो रियाज के ताजर गए थे तिजारत करने के लिए, काफ़ला निकला रियाज से, कहाँ गया? इराक। और ये याद रखें, बाद में ज़िक्र होगा इसका, कि ये सफ़र आसान नहीं हुआ करते थे इस हुकूमत के आने से पहले, अब ये सफ़र आसान है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिर्फ नजद से, जिसका ज़िक्र थोड़ा सा पहले हो चुका है, कि उसकी सियासी हालत ये थी, मक्का जाने के लिए कई महीने लगते थे, एक इलाके से दूसरे इलाके तक, एक बस्ती से दूसरी बस्ती तक जाने के लिए मेरे दोस्तों, सिक्योरिटी रिस्क इतना होता था कि चंद दिन वहाँ पर, चंद हफ्ते ठहरना पड़ता था। जब सिक्योरिटी रिस्क क्लियर होता था, उसके बाद फिर वो दूसरी बस्ती में जाते थे। तो जब ये हुकूमत आई है तो रास्ते साफ हो गए। जो डाकू लुटेरे थे, जो डॉन थे, जो माफिया थे, उनका दौर दौरा ख़त्म हो चुका था, अमन आ गया था, लोगों को सुकून मिल गया था। यहाँ से काफ़िला तजारत के लिए, तजारती काफ़िला रियाज से रवाना होता है, इराक पहुँचता है। तो उनको जब वो इराक के करीब पहुँचे तो उनको डाकू ने लूट लिया, कत्ल कर दिया, माल दौलत लूट लिया। ख़बर जब पहुँची है, इमाम अब्दुल अजीज़ इब्ने मोहम्मद इब्ने सऊद को, उस अमीर इलाके को, उस हाकम वक्त को, उस नई हुकूमत के एक दूसरे हुक्मरान को, जो दूसरे नंबर पर हुक्मरान बनते हैं, उन्होंने बादशाह को लिखा कि भाई, हमारे ताजरों को लूटा गया है, माल लूटा गया है, बंदों को कत्ल कर दिया गया है, आप उन पे शरी हुक्म नाफिज करें। एक ख़त लिखा, उसका जवाब नहीं आया। दूसरा ख़त लिखा, ख़त लिखने का मतलब यह है कि डाकिया आजकल कुत नहीं है, बंदा ही जाता था लेके। जो पैगाम जब दूसरा गया है, कोई जवाब नहीं दिया। जब तीसरी मर्तबा उन्होंने अपना लेटर लिखा है, ख़त लिखा है, ख़ताब किया है और मुतालबा किया है, तो उसने बड़े घटिया अंदाज से जवाब दिया। तो इमाम तो फिर इमाम थे ना, वो तो आपको पता है ना, तुम्ही से ए मुजाहिदो जहान का सवात है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। ये गाजी यहाँ से निकलते हैं, इन्होंने अपने बेटे सऊद को
लश्कर का सालार बनाकर उसकी सिपा सालारी में एक अजीम लश्कर भेजा है। तवज्जो फरमाइए, इस लश्कर का बड़ा ज़िक्र होता है और मैं सुन सुन के थक गया हूँ कि जी इन्होंने करबला के अंदर कत्लो गारत किया और लाखों की तादाद में लोग मार दिए। झूठ के पुलंदे, हाँ गए हैं भाई। पहली बात तो ये है कि क्यों गए हैं, ये अभी आपने सुन लिया, क्यों गए हैं भाई? आप हमारे बंदों को मारते हैं, कत्ल कर देते हैं, सामान लूट लेते हैं, तो हमारा हक इतना भी नहीं है कि हम आपसे अपील कर सकें कि इस्लामी कानून नाफिज करो, से कसास लीजिए, लूटा हुआ सामान वापस कीजिए। तो ये गए हैं इराक में, करबला में भी पहुँचे हैं, कामयाब लौटे हैं, कत्लो गारत हुई है। आपने सुना होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातवीं हिजरी को जब जाने लगे हैं उमरा करने के लिए, तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इजाज़त फरमाई थी? वमन इतदा अलैकुम फतदू अलैहि बिमिस्लि मा इतदा अलैकुम। छठी हिजरी में आपको जब रोक दिया गया था, उमरा नहीं करने दिया गया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हरम के अंदर लड़ाई तो मना है, लेकिन मेरे पैगम्बर अगर ये मुशरिकीन मक्का दोबारा यही हरकत करते हैं तो आपको इजाज़त है। तो ये सऊद इब्ने अब्दुल अजीज़ अपना काफिला लेकर, अपना लश्कर लेकर जब इराक पहुँचते हैं और फिर कामयाबी से वापस लौटते हैं। ये है वो बात, बड़ी मुख्तसर, तफसील में नहीं जा सकते एक दर्स के अंदर, जिसको बुनियाद बनाकर बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई, बड़े बड़े उलमा ने लेक्चर, और आजकल तो यूट्यूब भरा पड़ा है और उसके अंदर दिन रात तबलीग हो रही है। हम तो समझते थे कि शायद ये लोग तारीख को थोड़ा सा इसका मुताला करने के बाद अकल के नाखून लेंगे, लेकिन अल्लाह के इलम है शायद ऐसा ही है। मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की, हकीकत बयान करते हैं तो और अंदाज़ आता है, शैतान एक दूसरे अंदाज के साथ फिर तबलीग करवाता है इनसे। अला कुल्ले हाल, जिस वक्त वापस आ जाते हैं तो वहाँ से एक आदमी भेजा जाता है तालिब इल्म का रूप धार कर। वो एक साल दरिया में रहता है, अंदाज़ा लगाइए, ये हैं साजिशें। एक साल आकर शागिर्दी इख्तियार करता है तालिब इल्म के तौर पर, यानी काफ़िले तो वापस आ गए, तो वो बंदा भी साथ आया या उसके बाद आ गया। वहाँ पर हुक्मरानी, हुक्मरानों के यहाँ करीब हुआ, मस्जिद में नमाज़ें पढ़ रहा है, तालिब इल्मी का इजहार कर रहा है कि मैं दीन का तालिब इल्म हूँ, मुझे इल्म सिखाइए। और अब्दुल अज़ीज़ का ही, उसे इमाम का ही शागिर्द हो जाता है, मस्जिद में उनके पीछे इतना एतमाद हासिल कर लेता है कि साल पूरा लग गया उसको दरिया के अंदर। दरिया तो आपको पता ही है ना कि वो तो एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी बन चुका था, मस्जिदों का और लोगों का आना जाना, किताबों का तकसीम होना, किताबें लिखी जाती थी हाथ के तहत, वक़्त पढ़ी थी, पढ़ाई जाती थी, कुरान और सुन्नत की तालीम दी जाती थी, ये भी तालिब इल्म था। जब इसने देखा कि अब मेरे ऊपर मुकम्मल एतमाद हो गया है, तो फिर ये इमाम के पीछे, इमाम नमाज़ पढ़ाते थे, ये इमाम के पीछे पहली सफ़ के अंदर उनके पीछे खड़ा होना शुरू हो गया, इतना इसको एतमाद हुआ। गोया के सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं था इस आदमी के बारे में। साल के बाद उसको मौका मिला, असर की नमाज़ थी, या सुबहान अल्लाह, नमाज असर मेहराब मस्जिद और सजदे का आलम, ये राफजी उठता है और खंजर के वार करता है और शहीद कर देता है। तो 1218 ईस्वी के अंदर, हिजरी के अंदर, 1218 हिजरी के अंदर ये वो सबसे पहली फिदाकारी है, पहली कुर्बानी है, पहली शहादत है। इन शहीदों की दियत अहले कलीसा से ना मांग, कदर व कीमत में है खून जिनका, हरम से बढ़कर। अब दूसरे शहीद का ज़िक्र करता हूँ, मेरा आज उनवान है फिदाकारियाँ, कुर्बानियाँ, शहादतें जो इस तहरीक की खातर दी गईं, आले सऊद ने दी और आले शेख ने दी। आले शेख से मुराद मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब रहमहुल्लाहु तआला, और आले सऊद से मुराद मोहम्मद इब्ने सऊद इब्ने मोहम्मद की औलाद जो इस मैदान में शहीद हुए हैं। दूसरे शहीद कौन हैं? ये एक दर्दनाक वाक़या है। आप जानते हैं कि जिस वक़्त हिजाज़ पर भी कब्ज़ा हो गया, तो अशराफ ने, माशाअल्लाह, अशराफ
शरीफ मक्का मुतालबा करता है और डर और खौफ का लेटर लिखता है, मंदूब भेजता है, उस्मानियों से इमदाद हासिल करता है। तो उस्मानियों ने जो फ़ौज भेजी आप जानते हैं, ज़िक्र हो चुका है, इतना ही काफ़ी है कि जो उनका जो बैनुल अक्वामी कब्ज़ा ग्रुप था और बैनुल अक्वामी जो डॉन थे उनके, मोहम्मद अली बादशाह और उनका बेटा मोहम्मद इब्राहिम बादशाह और एक और बेटा था, लश्कर देकर उन्होंने भेजा। ये पहले जद्दा में पहुँचे, फिर वो यम्बो की तरफ आए, उसके बद मदीना में, फिर ताइफ, फिर मक्का, फिर उसके बाद तुरबा और होते हुए फिर रियाज में, कई महीने लग गए इन लोगों को। ये लश्कर था, इनके पास जदीद किस्म के आलात भी थे। दरिया पहुँचे, मुहासरा कर लिया, 6 महीने मुहासरा रहा। और उसके बाद मैं एक बात का ज़िक्र करने लगा हूँ, आप तारीख़ में ढूँढिएगा ज़रा, तारीख़ में ढूँढिए। 6 महीने का अरसा हुआ, खाने के जितने भी असबाब थे सारे बंद कर दिए गए, मुहासरा हुआ हुआ था। देरिया बस्ती है, छोटा सा इलाका है, जब उसको आप कंट्रोल कर लेंगे, आपके पास असला है, आपके पास फ़ौज है, उनके पास 3,000 है, आपके पास 20-25,000 हैं या 20 से ज़्यादा, लगभग इतने ही लश्कर का लेके आए थे, और साजो सामान है, खाने पीने का है, रक्स सरूद की महफिलें गर्म होती हैं, आपके साथ गाने वालियां भी हैं, आपके पास ढोल वो बजाने वाले भी लोग मौजूद हैं, आप दिन रात अय्याशी करते हैं और अंदर लोग मर रहे हैं। तो सऊद के बेटे अब्दुल्ला ने, अब्दुल्ला इब्ने सऊद इब्ने अब्दुल अज़ीज़ ने अपने आप को पेश कर दिया इब्राहिम पाशा को, उसको कहा ठीक है मैं सरेंडर करता हूँ इस शर्त पर, मुझे मालूम है मुझे तो आप कत्ल करेंगे, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं अपनी आल औलाद के लिए, अपने इलाके के लिए ये कुर्बानी देना चाहता हूँ। इस वक्त वो भूखे मर रहे हैं, ये है इस्लामी, ये है इस्लामी हुकूमत, सुभान अल्लाह, ये है इस्लामी हुकूमत के कारिंदे, ये है वो इस्लामी फौज। मुआहदा कर लिया, बड़ा खुश हुआ, ठीक है साइन हो गए मुआहदे पर कि तू सरेंडर कर रहा है, तू सरेंडर कर दे अपने आप को, अपने आप को पेश कर दे और मैं हिसार खोल देता हूँ। उसने कहा मेरी औलाद को, मेरे ख़ानदान को, मेरी कौम को दरिया से जाने की इजाज़त दे देना और मैं अपने आप को पेश कर रहा हूँ। ऐसा पक्का मुसलमान था माशाल्लाह, मुसलमान क्या, मैं तो उसको तो मुस्लिम कहूँगा, नाम का मुसलमान था। उसने वादा खिलाफी की, खयानत की, गद्दारी की, यह है गदर, असल गदर ये है। उनको तो पकड़ा और उसके बाद हमले किए, लोगों को गिरफ्तार किया, औरतें भी थी, मर्द भी थे, छोटे भी थे, बड़े भी थे, और उनमें से एक शख्स का नाम मैं बाद में अर्ज़ करता हूँ, पहले ये ज़िक्र कर लें कि कैदी बनाकर ले जाया गया कहाँ, मिस्र में, काहिरा में और इस्कंदरिया में। इस्कंदरिया में तो फांसियाँ दी गई और काहिरा में अगर जबरती को अगर आप पढ़ते हैं मौर्रिख को, तो आप देखेंगे वहाँ पर औरतों का और बच्चों का और मर्दों का बाजार लगाया गया था। मैं इसकी तारीख में नहीं जाता तफसील में, मुझसे शायद बर्दाश्त ना हो, औरतों के भी बाजार लगे हैं। ए खिलाफत इस्मानिया के दावेदारों, खिलाफत के दावेदारों, अगर तुम वाकई मुसलमान होते तो अहले तौहीद को कत्ल ना करते, अगर तुम वाकई मुसलमान होते तो अहले सुन्नत के खिलाफ, अहले तौहीद के खिलाफ, जिनकी किताबों में, जिनके अमल में, जिनके कौल में आपको कोई चीज़ कुरान और सुन्नत की मुखालफत में नहीं मिलेगी, आज भी दावा है नहीं मिलेगी। और अब्दुल्ला को वहाँ अस्ताना ले जाया गया, वहाँ उनका सरकलम किया गया, 3 दिन उनकी लाश को बाज़ारों में फिराया गया, उनके 3 साथियों को भी तख्तेदार पर लटकाया गया। फिर अब्दुल्ला का, जिसको मैं दूसरा शहीद कह रहा हूँ इस ख़ानदान का, अब्दुल्ला बिन सऊद इब्ने अब्दुल अज़ीज़ को, उसके सर को तोप के धाने पर रखकर उड़ाया गया। ये है मुसलमान, ये है खिलाफत जिसको आज भी कहते हैं कि उसका दौर दौरा फिर आना चाहिए। मैं अभी अर्ज़ करता हूँ, ये दूसरे थे, दोबारा अर्ज़ करता हूँ, ये वो हैं शहीद
शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। आज कौम जिंदा है उस शहीद की वजह से। अरब जिंदा है, तौहीद जिंदा है, सुन्नत जिंदा है, उसके मानने वाले जिंदा हैं। तीसरे शहीद का जिक्र हो जाए, वो हैं सुलेमान इब्ने अब्दुल्ला इब्ने मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब, शेखुद्दावा मुजद्दिद्दावा के पोते। 30 साल नौजवान है मेरे दोस्तों, 30 साल नौजवान। और तहसीरुल अज़ीज़ अल हमीद का लिखने वाला है, फतहुल मजीद के बाद से पहले ये किताबुत तौहीद के मुफस्सिर हैं, तशरीह करने वाले हैं। उनको गिरफ़्तार किया गया, मकबरा ले जाया गया, वहाँ ले जाकर उनको, उनके ऊपर वो डांस करने वाली और गाने वालियाँ जो थीं दफ बजाती सर पे मारती थीं, फिर उनके बाद और उनको बारूद के ऊपर लगाया गया या छिड़का गया और उनको बारूद से उड़ा दिया गया, सुलेमान इब्ने अब्दुल्ला को और उसके बुढ़े बाप के पास। फिर यही बदमाश आता है इब्राहिम पाशा, ये डॉन था, ये आकर उसको कहता है किस लहजे में, मिस्री लहजे में। अरबी लहजा तो ये था कि कतलना इब्न का या अजूज, लेकिन आपको पता है कि मिस्री अपने लहजे में काफ को अलिफ बोलते हैं, जीम को गाफ बोलते हैं, ऐन को भी अलिफ बोलते हैं। वो कहते हैं अतलना, अतलना लानतुल्लाह अलैका या इब्राहिम पाशा, तो जहाँ भी है अजाब का मुस्तहक है। उस बुढ़े को आकर कहता है, बूढ़े आदमी को, वो भी आलम दीन थे, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के बेटे अब्दुल्ला, आप जानते हैं उनके बेटों का नाम था, अली था, हसन था, हुसैन था, अब्दुल्ला था, इब्राहिम था। तो इस अब्दुल्ला को अगर कहते अतलना इब्ना का या अगूस, अतलना यानी कतलना इब्ना का या अगूस, तो उन्होंने कहा लो माँ कतल तुम इबनी, नो लो माँ कतल तुम अबनी अमातहुल्लाह या कतलहुल्लाह, अगर तुम मेरे बेटे को कतल ना करते तो अल्लाह ताला कतल कर देते। वक्त मुकर्रर था, ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, एक लम्हा आगे पीछे नहीं हो सकता, असबाब बनते हैं। अगर तुमने उनको ना मारा होता तो अल्लाह की तरफ से आवाज़ तो आ रही थी, ये वक्त था, मुकर्रर था। लो मा कतल तुमू हो अमातहुल्लाह, मेरे बेटे को अल्लाह ताला इसी हालत में ले जाता। वो तो कामयाब गया है, वो तो कहते हुए गया है फुज तो रब्बे काबा। ये तीसरे शहीद थे इस दावत सलफिया इस्लाहिया के। और उसके बाद जो ख़ानदान मिस्र ले जाया गया, उनके अंदर अब्दुर्रहमान भी थे, अब्दुर्रहमान इब्ने, वो भी पोते हैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के, जिसके बारे में जबरती ने लिखा है कि जब वो वहाँ थे उस वक़्त कैसा औरतों बच्चों का और मर्दों का वो बाज़ार लगाया गया। अल्लाह ताला जो इस वक्त दुनिया में नहीं, अल्लाह ताला उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमाया। ये थे मुसलमानों का वो दौर, सऊदी हुकूमत अव्वल, पहली जो सऊदी गवर्नमेंट है उनके चंद हालात मैंने आपके सामने, 3 शहीदों का मैंने जिक्र किया है, उसका जायज़ा हम बाद में लेते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में। दूसरा दौर आता है 1240 से लेकर 1249 तक, तो उसमें भी वो जो तुर्की बिन अब्दुल्ला हैं उनको भी असर की नमाज में मेहराब के अंदर सजदे के हाल में ही शहीद किया गया था, जिन्होंने दूसरी गवर्नमेंट का आगाज़ किया गया था। ये उस्मानी कब बर्दाश्त कर सकते थे, जिनकी पुश्तपनाई कोई और कर रहा था। तो बहरहाल उनकी शहादत के बाद आले रशीद को हुकूमत दी गई और फिर तीसरा दौर शुरू होता है, वो 1319 में या हिजरी में और 1902 में, मलिक अब्दुल अज़ीज़ इब्न अब्दुर्रहमान अल फैसल आल सऊद का, जो आज तक कायम है, उनके बच्चों ने उनका भर भी नहीं रखा बल्कि हक अदा कर दिया है। रहम अल्लाहु मन माता व हाफिज़ अल्लाहु मन बाकी, जो दुनिया से चले गए आले सऊद, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमाया, जो ज़िंदा है उनको दीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। और अगर आपने
न सुना हो या सुना हो तो भुला दिया हो, मैं आपकी याद दहानी के लिए अर्ज करता हूं। ये बहुत बड़े मोहसिन हैं। कौन? मलिक अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। ये तो आपके इलम में है, बार बार सुन चुके हैं। 1902 के अंदर इन्होंने रियाज फतह किया था, अपने इलाका वापस लिया था। फिर 1932 के अंदर इस पूरे इलाके का जो 2.25 मिलियन किलोमीटर मुरब्बा पर मुहित है, जिसके अंदर असीर, नजरान और हिजाज और नजद और ये शर्किया और गर्बिया के तमाम इलाके शुमाल जुनूब के शामिल हैं, इनको एक नाम पर जमा किया था। 1343 के अंदर, आज कितनी तारीख है, 1443, अजीब हुस्न इत्तेफाक है, मुझे खुशी हो रही है ये बात कहते हुए। 1343 में इन्होंने वो काम किया जो ता कयामत बाकी भी रहेगा और यादगार भी रहेगी और लोग दुआएं भी देते रहेंगे। माशाल्लाह, जो खिदमत हो रही थी ना इस्लाम की, अशराफ के दौर में भी, उस्मानियों के दौर में भी, और सदियों से चल रही थी, वो चार मुसल्ले थे। कितने मुसल्ले थे? चार। अभी हनफी नमाज पढ़ रहा है, दूसरे पे माल की नमाज पढ़ रहा है, हरमैन में, हरम मक्की में, तीसरे पे शाफ़ी नमाज पढ़ रहा है, चौथे पे हम्बली नमाज पढ़ रहा है। तअस्सुब इस हद तक कि मुसल्ले पे में इमाम भी खड़ा, उस मसल्ले पे दूसरा इमाम भी नहीं जा सकता, एक मसल्ले पे तीसरा इमाम नहीं आ सकता, हर एक के मसल्ले भी अलग, उनकी जमातें भी अलग। ये तफरीका था, ये खिदमत थी। मनफ़अत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। इकबाल, तेरी रूह को सलाम, नव्वर अल्लाह मरकज़ का या इकबाल, फरमाते हैं मनफ़अत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। एक ही सब का नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बातें होते जो मुसलमान भी एक। फ़िरकाबंदी है कहीं और कहीं ज़ातें हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं? चार मुसल्ले, तअस्सुब की इंतहा थी। और एक मकाम पर फरमाते हैं कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वामे मगरिब से न कर, अपनी मिल्लत पर कयास अक़वामे मगरिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, उनकी जमीयत का है मुल्क व नसब पर इन्हिसार। क़ुव्वत मज़हब से है मुस्तहकम है जमीयत तेरी, दामने दी हाथ से छूटा तो जमीयत कहाँ, और जमीयत हुई रुखसत तो मिल्लत भी गई। आज मिल्लत की पासदारी करने वाले मलिकुल ममलकत अरबियत सऊदिया, अल मलिक अब्दुल अजीज इब्ने अब्दुल रहमान अल फैसल आल सऊद रहमहुल्लाह तआला ने चार मुसल्ले ख़त्म करके एक मुसल्ला बनाया। ये है वो खिदमत इस्लाम की, ये वो है तौहीद बारी ताला ही नहीं, तौहीद उम्मत ही, तौहीद उम्मत किया है, तौहीद मसालक किया है। मसलक अलग अलग थे, एक कर दिया, एक मुसल्ला दिया है, जो मैंने पहले अर्ज किया था उन्वान बताते हुए कि जमीयत अहले इस्लाम है, ये जमीयत अहले इस्लाम है, एक मुसल्ला एक इमाम है। ये है खिदमत, ये है मेहनत, ये है तौहीद बारी ताला, यह है कुरान और सुन्नत की खिदमत और इसका जानना पहचानना। आला फहमे सलफिल उम्मा, अल्लाह रब्बुल आलमीन करवट करवट चैन नसीब फरमाए मलिक अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को, जो आज मकबरतुल उऊद के अंदर रियाज में आराम फरमा रहे हैं। नव्वर अल्लाह मरकज़ा, तय्यब अल्लाह सरा। आइए अब हम दर्स के आखिर में जायज़ा लेते हैं उन बातों का जो अभी आपने समाप्त फरमाई है। एक आयत मुबारका सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 23 मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की है। क्या ये आले सऊद, आले शेख और इनके साथ चलने वाले मुजाहिदीन और गाजी हजरात इसके मिसदाक हैं या नहीं हैं, ये जायज़ा लेना आज के दर्स में बहुत ज़रूरी है। मिनल मोमिनीन रिजाल सदकू मा अहदुल्लाह अलैह, मोमिनों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना वो वादा सच्चा कर दिखाया जो उन्होंने अल्लाह से किया था।
فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ, ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے وہ اپنی نظر پوری کر لی ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, اور کچھ لوگ ہیں جو انتظار میں ہیں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا, اور انہوں نے اپنی جو نظر مانی تھی ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے. شان نزول اس کا یہ ہے, اس آیت مبارکہ کا, سورہ احزاب سورہ نمبر 33 ہے, پارہ نمبر 21 ہے اور آیت نمبر 23 ہے. بار بار پڑھیے, دیکھیے, کھولیے قرآن کو اور تفسیر کو. انس ابن النضر رضی اللہ تعالی عنہ, یہ میدان بدر میں غالباً شریک نہیں ہو سکے تھے, کچھ دوسرے لوگ بھی تھے, تو انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ اللہ نے اگر موقع دیا تو ہم اپنے جوہر دکھائیں گے توحید کے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے اسلام کی خاطر. میدان احد کے اندر یہ شہید ہوتے ہیں, جہاں پر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پیتے بھائی بھی تھے, چچا بھی تھے, اور جن کی شہادت پر آپ دیدہ بھی ہو گئے تھے, جن کے جسم کا مسئلہ کر دیا گیا تھا, اور بھی کوئی لوگ تھے, ان میں سے ایک حضرت انس ابن نظر تھے جنہوں نے نظر مانی تھی. میدان جنگ میں ان کو 80 سے زیادہ زخم لگے ہیں اور ان کا مسئلہ کر دیا گیا, کوئی چیز پہچاننے کے لیے نظر نہیں آ رہی تھی, یہ کون ہے. آخر ان کی بہن ربیع ابنت النظر, جو ام ربیع کے نام سے بھی یاد کی جاتی ہے, رضی اللہ تعالی عنہا, انہوں نے اپنے بھائی کی انگلیاں دیکھ کر پہچانا تھا, یہ شہید ہے, یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا, انہی کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ, ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی نظر کو پوری کر چکے ہیں اور اسے شہادت سے بغلگیر ہو چکے ہیں, وہ تاج اپنے سر پر سجا چکے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, اور کچھ صحابہ ایسے ہیں جو انتظار میں ہیں کہ اگر وقت ملے گا تو دفاع اسلام میں ایسے ہی قربانیاں دیں گے جیسے حضرت انس ابن النضر نے دی ہے. تو آئیے میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ ابھی جس کا ذکر آپ نے سنا ہے, سلیمان ابن عبداللہ کا جو 30 سالہ جو نوجوان ہے, جو درعیہ کے قبرستان میں مقبرہ میں جا کر جس کو بارود سے اڑایا گیا تھا, حضرت انس ابن النضر کی تو انگلیاں مل گئی تھیں, اس شہید کی تو کوئی چیز باقی نہ رہی, بارود سے اڑا دیا گیا. یہ ہیں وہ مسلمان عثمانی جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. آج لوگ کہتے ہیں, ایک اصطلاح ہے تدویل حرمین کی, وہ میں ابھی آپ کے حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں. آج ذکر کرنا چاہیے, حل جزاء الاحسان الا الاحسان. عرب والو, سعودیوں اور نان سعودیوں اور دنیا کے اندر مسلمانوں, حل جزاء الاحسان الا الاحسان. آج جو آل سعود کا ذکر کرتا اس کو گالیاں دیتے ہو, ارے بھائی انہیں کے احسانات کا بدلہ ہے. آج حرمین شریفین میں امن کے ساتھ آ رہے ہو, وہاں حاجی کو روانہ کرتے تھے گویا کہ شاید واپس آئے, آج گاڑی کو اسٹارٹ کرتے ہو تو مکہ مدینہ, وہاں پر جہاز میں بیٹھتے ہو تو جناب پاکستان انڈیا اور بر صغیر سے اور باقی ملکوں سے بھاگ بھاگ کے آ رہے ہیں اسلام کے, اپنا عمرہ کرنے کے لیے, حج کرنے کے لیے. یہ کس کی بدولت ہے؟ یہ انہی شہداء اور غازیوں کی بدولت ہے, یہ انہی کو اللہ نے قبولیت سے سرفراز فرمایا تھا. ان کے سر پر یہ تاج جو سجائے ہیں, جو قیامت تک سجے رہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس, جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. شکر کرو اللہ کی نعمتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. ان تعدوا نعمت اللہ, بلکہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے, لئن شکرتم وَاِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, میرا شکر, میری شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. اور یاد رکھو, وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اگر تم کفران نعمت کرو گے, یہاں سے شکر سے مراد شکران نعمت ہے,
अल्लाह का एहसान है। हरमैन की हालत देखिए, हरमैन का रंग देखिए, सहूलतें देखिए, और तुम कह रहे हो तदवील हरमैन, ता दाल वाव या लाम, तदवील हरमैन। इसका आसान तर्जमा सादा यह है कि हरमैन को खुला शहर करा दे दिया जाए, यानी सिर्फ सऊदी इस बात के, सऊदी अरब वाले यानी सऊदी हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार नहीं है, उसको ये हक नहीं पहुंचता कि वो इसके कब्ज़ा करके रखे, बल्कि यह है कि इसको आज़ाद किया जाए। बड़े मुतालबात हो रहे हैं। तदवील से मुराद ये है कि दुवल यानी बैनुल अक्वामी तौर पर एक लजना या एक इदारा कायम किया जाए जो इसकी निगरानी करे हर साल, और कभी किसी का वक्त आए कभी किसी का वक्त आए, यानी आज की निगरानी, आज मुदीर कौन होगा हज कराने का, आज इदारा किसके पास होगा, आज एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास होगी, ये एक मुल्क के पास, अगले दिन अगले साल दूसरे मुल्क के पास, उसके बाद अगले किसी दूसरे और मुल्क के पास उसका इंतज़ाम होगा हज और उमरे का। या सुभान अल्लाह। अरे भाई, अगर आप ईमानदारी से बताएं, अगर हमारे ये सूफिया का जो नाम बदनाम जिन्होंने किया है, तसव्वुफ़ वालों का जो बिगड़ा हुआ तसव्वुफ़ है, अब मैं कोई अच्छे तसव्वुफ़ के जिक्र नहीं करना चाहता, तो अगर उनको मौका दे दिया जाए बर्रे सगीर वालों को कि मियां इस वक्त निगरानी पाकिस्तान को मिलेगी या इंडिया को मिलेगी, तो मक्का में क्या होगा, मदीना में क्या होगा, कव्वालियाँ होंगी, नजर व न्याज चढ़ेगी, यहाँ चादरें चढ़ाई जाएंगी। और अगर ईरान को मौका मिल गया उस वक्त क्या होगा भाई, उस वक्त फिर मज़ारात दोबारा बनाएंगे। और अगर उस्मानियों को, तुर्कों को अगर वक्त दे दिया जाए तो क्या है, ये खिलाफत उस्मानियाँ दोबारा लाएंगे, वो ये कहेंगे हम वही काम करते हैं जो पहले हमारे बड़े करते रहे हैं, मज़ारात बनाएंगे। गालियाँ पता क्यों पड़ती हैं आले सऊद को, क्यों आप अपनी ज़ुबानों को दराज करते हैं और गुनाह कमाते रहते हैं दिन रात, करते रहिए, उनको तो सवाब मिलता है इंशाल्लाह। उन्होंने मज़ारात को ख़त्म कर दिया, जितने भी अड्डे थे, जितने भी अड्डे थे सबको ख़त्म कर दिया है। और ये कबा में और जन्नतुलबकी में और जन्नतुलमादा में, जज़ीरा अरबिया में, ओयना में, जुबैला में, हरीमला में, और जगह जगह ताइफ के अंदर जितने भी थे ना, बाहर के लोगों की वो जाने, उनका काम जाने, यहाँ जज़ीरा अरबिया में जहाँ हुक्मरानी आले सऊद की आई है, उन्होंने शिर्क के अड्डे, बिदात और खुराफात के, जलालत और गुमराही के तमाम अड्डों को साफ किया है। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और यही वजह है, आज कुछ लोग याद रखें, ये बात मेरे जहन में आ गई, मैं जल्दी जल्दी इसको भी अर्ज़ कर देता हूँ, कि कुछ लोग सलफ़ी का नाम रख कर, सलफ़ी कहलाना कोई लाजमी नहीं है, अहले सलफ़ और हैं और सलफ़ी और हैं, हो सकता है मुब्तदिया बिदती खुराफात, खुराफाती जो हैं काम करने वाले, बिदात और खुराफात का काम करने वाले, उन्होंने अपना नाम रख लिया हो। और आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तौहीद का नाम लेते हैं, जो कत्ल गारत करते हैं, वो सलफ़ी सलफ़ी नहीं है जो किसी को कुफर का फतवा लगाए, जो मुशरिक कहे, जो बिदाती कहे, जो उनको फासिक फाजिर कहे और उनको कत्ल जायज़ समझे, ये तो खवारिज हैं, वो उस दौर के खवारिज थे, ये आज के दौर के खवारिज, इनका सलफ़ियों से क्या ताल्लुक है, ये अगर सलफ़ी नाम रख लेते हैं अपना तो ये भी एक उनका तकिया है। तो दुश्मन याद रखो, जितना भी गरब है, वेस्टर्न इलाके के लोग जो हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, इलाके को छोड़ दीजिए, दुनिया में दो ही किस्में हैं, एक है अल कुफ्र मिल्ला वाहिदा, या मुस्लिम है या काफिर है, या कुफर है या इस्लाम है, और इसी तरह सुन्नत के मुकाबले में या सुन्नत है या बिदत है, इसकी किस्मों में नहीं जाएंगे, या मुस्लिम है या काफिर है, या इस्लाम है या कुफर है, कुफ्र अल कुफ्र मिल्ला वाहिदा, सारे जितने भी कुफर के अड्डे हैं सबको मिलाकर, जितने भी लोग मानने वाले ना मानने वाले, जो चाइना वाले हैं या रशिया वाले हैं या क्यूबा वाले हैं, जो खुदा को नहीं मानते हैं, वो भी तो कुफर है बल्कि इल्हाद है, ये सारे के सारे उसी में आते हैं, या कुफर है या इस्लाम है। कुफर क्यों डरता है इस मुसलमान से, इस्लाम से क्यों डरता है, मुसलमान से नहीं डर रहा, इस्लाम से डर रहा है, किस इस्लाम से, जो प्योर इस्लाम है, इसको मैं नहीं कह रहा, जो बर्तानिया का जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बर्टनी का है यानी मौसुआ बर्तानिया, उसके अंदर ये दर्ज है कि दुनिया सिर्फ और सिर्फ जो मुखालफत कर रहे हैं ना इस वक्त, वो सऊदियों की है,
वो उस खालिस दीन की है जो प्योर है, जिसके अंदर कोई शिर्क का शायबा नहीं, जिसके अंदर कोई बिदत का शायबा नहीं है, तो दुनिया किसी फिरके से नहीं डर रही। काफिर किसी से नहीं डरता, किसी से नहीं डर रहा, याद रखें, ना कोई तबलीगी जमात से, ना कोई अख़वान और मुस्लिमीन से, ना किसी वो क्या आप, मैंने एक दो नाम ले दिए, बेशुमार हैं, किसी से कोई काफिर नहीं डरते। डरते किससे हैं? इन्हीं आले सऊद की हुकूमत से और मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह चलाई हुई वो जो तहरीक थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हमें असलाफ़ की समझ और फहम अता फ़रमाए, कुरान और सुन्नत के करीब कर दे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुमरा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा हशर फरमाए, आपके हौज़े कौसर से पानी पीने की का शर्फ अल्लाह ताला हमें बख्शे और आप ही के साथ जन्नत में जाने की तौफीक अता फरमाए। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।